नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सिंगरौली जिले के ग्राम करजुआ लाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण कराया गया था, परंतु एसआर पावर कंपनी की हजारों ओवरलोड गाड़ियों के चलने और डस्ट से सड़क पूरी तरह बर्बाद हो रही है, जिससे ग्राम कस्बा लाल के रहवासी परेशान है। विगत दिवस बारिश से सड़क का हाल बद से बदतर हो गया है, जिससे ग्रामवासियों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है और लोग सड़क पर गिर कर जख्मी भी हो रहे हैं। स्कूल वाले बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और स्कूल मैजिक भी सड़क से नहीं निकल पा रही है। एसआर प्रबंधक सतीश सिंह द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। नरसिंहपुर जिले के ग्राम पंचायत बरमान में भाजपा नर्मदा मंडल मोर्चा अध्यक्ष श्री राम नारायण गब्बू सोनी के नेतृत्व में आज स्थानीय सेवा सहकारी समिति हिरणपुर रोड बरमान कला की सोसाइटी के समक्ष समस्त उपस्थित भाजपा जनों विरोध स्वरूप मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश के मुख्य कमलनाथ जी की नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन करके, जो कि एक दिवसीय रहेगा, जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों से संबंधित मांग की गई है कि किसानों की 2 लाख की कर्ज माफी, जो कि मध्य प्रदेश शासन के एजेंडे में था, वो माफ किया जाए और उसके बाद बारिश के सीजन में अतिवृष्टि के कारण जो फसलें खराब हुई थी, प्रभावित हुई थी, उनका मुआवजा भी किसानों को नहीं मिला है, वो भी दिया जाए। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो लोग प्रभावित हुए थे, किसानों और उनकी फसलें प्रभावित हुई थी, उनका मुआवजा दिया जाए और किसानों को यूरिया के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और किसी को 10 बोरी यूरिया चाहिए तो मात्र उसे 1 बोरी से संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा कोई ठोस प्रयास किया जाए, जिससे कि किसान चिंतित है और परेशान है, उसके लिए जल्द से जल्द प्रयास किए जाएं। नरसिंहपुर जिले में गन्ने की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है और ये क्षेत्र चिन्हित भी है, मगर यहाँ के किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है और उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए पूर्णतया कांग्रेस शासन जिम्मेदार है और प्रदर्शन के माध्यम से समस्त भाजपा जन मांग कर रहे हैं कि किसानों के लिए ठोस योजना और अलग से एक आयोग बनाया जाए, जिससे कि प्रदेश के किसानों को परेशान ना होना पड़े, आत्महत्या ना करना पड़े, कर्जदारों के सामने अपमानित ना होना पड़े। भाजपा नर्मदा मंडल द्वारा आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है, वह किस कारण से किया गया है? भारतीय जनता पार्टी नर्मदा मंडल में प्रदेश के नेतृत्व पे मंडल स्तर पर धरना किया गया है। किसान विरोधी नीतियों को लेकर कमलनाथ सरकार को चेताना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो उनने कहा था कि 2 लाख कर्जा माफ करेंगे, वो भी नहीं हुआ और अभी फसल खराब हो गई थी बारिश से। उनका सर्वे तो कराया था पर उनका अभी भी कोई मुआवजा नहीं मिला और यूरिया को लेकर कालाबाजारी चल रही है, सोसाइटियों में नहीं मिल रहा, प्राइवेट में मिल रहा है, तो उसी को लेकर धरना कर रहे हैं। क्या आपके जिले में गन्ने का उचित मूल्य मिल रहा है इस समय? उसको लेकर भी है, गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कम से कम 300-325 मिलना चाहिए किसानों को। जैसा कि हम कहें कि यदि कमलनाथ सरकार द्वारा वादे किए गए थे, लेकिन उन वादों पर खरा नहीं उतरी एवं किसानों को कोई भी इसमें लाभ नहीं दिया जा रहा है। बिलासपुर में सेन समाज की 9 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना से सेन समाज में रोष व्याप्त है, जिसके चलते आज धमतरी जिले के सभी सैलून, गवई और अन्य व्यवसाय को सेन समाज द्वारा बंद किया गया। वहीं धमतरी में सेन समाज आमापारा तालाब स्थित चंदापारी सेन भवन में एकत्र हुए, जहां से सदर होते हुए मौन जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं बिलासपुर में हुए 9 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा और पीड़ित को मुआवजा देने कलेक्टर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। इस दौरान इस मौन जुलूस में सेन समाज की महिला और पुरुष सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सेन समाज की महिलाएं हमारी इकट्ठी हैं, साथ में जेंट्स लोग हैं, सैलून से बंद की हुई हैं इस रैली के लिए। और बिलासपुर में जो कांड हुआ है, हमारी बच्ची छोटी सी, हमारी समाज की बच्ची जो है, उनके साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन ये किए हैं और सब इकट्ठा होके पूरे समाज के लोग सब साथ होके सेन समाज चंदापारी सेन समाज से हम लोग रैली निकाले हैं। ज्ञापन राज्यपाल और जिला क्या मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन निकाल के उनको ज्ञापन देने आए हैं कलेक्ट्रेट में, और कलेक्टर महोदय से भी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन और जो है ऑफिसर उनसे मुलाकात हुई, उनको हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। और इसके लिए जो भी कार्रवाई किया है, जो भी दुष्कर्म किया है जो आरोपी, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा के लिए हम लोग निंदा करते हैं। सजाए मौत होनी चाहिए और हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए उनके परिवार को। आज हम लोग विगत दिनों बिलासपुर के सड़कड़ा क्षेत्र में सेन समाज के एक 9 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, जिससे समूचे छत्तीसगढ़ में सेन समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
और इसी आक्रोश के चलते पूरे छत्तीसगढ़ के सेन समाज के लोग अपनी व्यवसाय बनकर विरोध जता रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज धमतरी जिला सौर्य सेन समाज और सैलून संघ के संयुक्त बैनर तले अपने व्यवसाय बंद करके गवई, यहाँ तक कि गवई व्यवसाय भी पूरे गाँव में बंद है, सैलून दुकान भी बंद है पूरा, और जो भी हमारे समाज के लोग व्यवसाय करते हैं वो सब बंद रखे हैं इसके विरोध में, घटना के विरोध में। और इस कृत्य की हम समाज की ओर से घोर निंदा करते हैं और आरोपी जो है उसकी हम फांसी की सज़ा की दिलाए जाने की मांग माननीय राज्यपाल महोदय और CM से करते हैं। साथ ही उस पीड़ित बालिका और उनके परिजनों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए ताकि उनको राहत मिल सके। इसी उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ चंदापारी सेन समाज के भवन जो आमा तालाब रोड स्थित है वहाँ से हम लोग मौ रैली निकाले हैं और आज हम सदर का भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुँचे हैं और जहाँ पे हम यहाँ के अधिकारी को माननीय राज्यपाल महोदय और CM के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। सेन समाज द्वारा अभी गत बिलासपुर जो घटना हुई है उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है इनके द्वारा राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा ज्ञापन। थैंक यू। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।